हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज बनाते हैं चने की दाल का छोला। चने की दाल का छोला बनाने के लिए हम एक कटोरी के लगभग चने की दाल ले लिए हैं। इसे अच्छी तरह से धुल के साफ कर लेंगे। 2 से 3 कटा हुआ प्याज लेंगे और लहसुन मिर्ची का पेस्ट लेंगे। अब हम एक कुकर में तेल डाल के, आधा चम्मच जीरा डाल के, कटा हुआ प्याज डाल के इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और 2 खड़ा लहसुन डालेंगे और डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, देखिए, तो इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा, लगभग लगभग भुनी गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर थोड़ा इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे और चने की दाल डाल के इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देखिए, इसे अच्छे से भून लिए हैं और ये लगभग अच्छे से भुना गया है, तो थोड़ा थोड़ा ये चिपकने भी लगा है। तो हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसे भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी। थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच के लगभग कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे। बिल्कुल पाउडर बना के नहीं डालना है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो गरम मसाला भी डाल के अच्छी तरह तरीके से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो देखिए, ये लगभग पानी डालने की स्टेज पे आ गया है। तो हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालने देंगे, जितनी ज़रूरत हो पानी की उतनी डालेंगे। वैसे ये लटपटा बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। 2 से 3 सीटी लगाने पे ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलिए, इसमें हम सीटी लगा लेते हैं। अब 2 से 3 सीटी लग गई। अब इसे खोल के देखते हैं तो ये चने का छोला लगभग बन के, चने की दाल का छोला लगभग बन के तैयार है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है चावल के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और खाइए।